hello everyone this is our next lecture on distributed operating system in this lecture we are going to cover a case study of java rmi and corba okay so we'll cover java rmi first after that we'll go to corba part okay so what is rmi the rmi is an api that provides a mechanism to create distributed application in जावा सो बेसिकली जावा रिमोट मैथड इन्वोकेशन है क्या लाइक like, आपको नियम से समझ आ रहा हो किसी मैथड को हम इन्वोक करने वाले हैं राइट सो बेसिकली द आर एम आई इज रिमोट मैथड इन्वोकेशन इज अपीआई दैट अलाउ टू इन्वोक अनदर मैथड दैट एग्जिस्ट इन एट अनदर एड्रेस स्पेस मतलब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करने वाले हैं जो कि किसी और एड्रेस स्पेस पे पड़ा है एड्रेस स्पेस जो हो सकता है वो लोकली भी हो सकता है एंड इट कैन बी ऑन सर्वर मशीन आल्सो। ओके सो द आर एम आईज एन ए पी आई अ मैकेनिज्म टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जावा यहाँ पे क्या लिखा है ये जो आर uh, है ये एक ए है जो हमें प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जावा में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसमें यूज होता है आर और आर बेसिकली क्या काम करता है इट अलाउ ट अनदर मैथड दैट एग्जिस्ट इन अनदर एड्रेस पेस ओके सो द आर एम आई अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू इनवोक मैथड ऑन एंड ऑब्जेक्ट रनिंग ऑन अनोदर जेवीएम मतलब जावा मर्च। अलग किसी अलग जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर कोई मेथड पड़ा है उसको हमें इन्वोक करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए एक मशीन ए है जो कि हम जिसको हम एक एज अ क्लाइंट लेते हैं ठीक है और एक मशीन बी है जिसको हम एज अ सर्वर कंसीडर करते हैं ठीक है तो हमें क्या है सर्वर पे कोई मेथड पड़ा है कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको हमें कॉल करना है ठीक है तो किसकी हेल्प से हम कॉल कर पाएंगे दैट इज विद ऑफ आर एम आई ठीक है सो क्लाइंट अगर सर्वर की मशीन का ऑब्जेक्ट रन करना चाहे तो कैसे करेगा विद हेल्प ऑफ आर एम आई ओके सो कोड विच रनिंग ऑन मशीन ए कैन इनवोक द मेथड रनिंग ऑन मशीन बी सो मशीन बी क्या है दैट इज सर्वर मशीन ओके सो RMI में क्या होते हैं uh, दो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओके सो डेवलपमेंट ऑफ कोरबा एप्लीकेशन ओके वाइल्ड प्रिजर्विंग ऑल मेजर बेनिफिट्स ओके जो जावा आर एम आई है स्पेसिफिकेशन किस लिए बनी थी जो कोरबा एप्लीकेशन है उनको, uh, उनको डेवलप करने के लिए बनी थी ठीक है जो कोरबा है अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ठीक है इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज कोरबा ओके सो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पूरा कोरबा के बारे में कि कोरबा एक्चुअल क्या है ठीक so, okay? so, so, है सो इट इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम एंड आईबीएम कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ जावा आर एम एंड टेक्नोलॉजी विद द फीचर ऑफ कोरबा टेक्नोलॉजी ओके सो वॉट इज स्ट एंड स्केलेटन सो बेसिकली टू इंटरमीडिएट जो ऑब्जेक्ट इसमें यूज होते हैं वो होते हैं स्टब एंड स्केलेटन

सो द स्ट इज ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ गेट वे फॉर द क्लाइंट साइड ऑल द आउट गोइंग थ्रू इट जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो कहाँ से होके जाएंगी स्टब ऑब्जेक्ट के थ्रू ठीक है सो इट रिसाइड एट द क्लाइंट साइड एंड रिप्रेजेंट द रिमोट ऑब्जेक्ट ओके ये कहाँ पे होता है इट रिसाइड एट द क्लाइंट साइड एंड जो भी रिमोट ऑब्जेक्ट होंगे वो कौन रिप्रेजेंट करेगा दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्टब ओके व्हेन द कॉलर इन वॉक मेथड ऑन द स्टब ऑब्जेक्ट इज द फॉलोइंग टास्क अब अब हमें बताया हम बताएं मैं आपको बताने वाली हूं कि बेसिकली स्टब ऑब्जेक्ट काम क्या करता है ठीक है सो इट इनिशिएट अ कनेक्शन विद रिमोट वर्चुअल मशीन ये क्या करता है कनेक्शन बनाता है हमारे जो क्लाइंट है उसका वर्चुअल मशीन के साथ ओके इट राइट्स एंड ट्रांसमिट पैरामीटर टू द रिमोट वर्चुअल मशीन जिसके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है उसके पास ये ट्रांसमिट करता है जो भी हमें मैसेज भेजना है और जो भी हमें इसके साथ पैरामीटर्स भेजने हैं उनको पैक करता है मतलब एक पैकेट बनाता है और उसको रिमोट वर्चुअल मशीन के पास सेंड करता है ठीक है आफ्टर दैट वेट फॉर द रिजल्ट जो उसने पैरामीटर या जो उसने मैसेज भेजा है उसके रिजल्ट का वो वेट करता है ठीक है आफ्टर दैट इट रीड्स अनमार्शल द रिटर्न वैल्यू और एक्सेप्शन ये क्या करता है उसके बाद जब इसके पास रिजल्ट आ जाता है तो उसको अनमार्शल मतलब अनपैक un, uh, करता है एंड जो वैल्यू आई होती है या कोई एक्सेप्शन आई होती है वो एंड में जो कॉलर जिसने क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसके पास वो फॉरवर्ड uh, करता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेटन सो स्केलेटन क्या होता है बेसिकली स्केलेटन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओके सो द बट कहाँ पे होगा इट्स इन सर्वर साइड ओके द स्केलेटन इज एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ गेट वे फॉर द सर्वर साइड ऑब्जेक्ट ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू इट जैसे कि द स्टब इज इन क्लाइंट साइड ना जो काम जैसे जो भी मैसेज पास हो रहे हैं दैट आर विद द हेल्प ऑफ स्टब ना सेम स्केलेटन के साथ होता है ऑन सर्वर साइड ओके गेट वे फॉर दर्वर साइड ऑब्जेक्ट ओके ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू इट ओके वेन द स्केलेटन रिसीव द इनकमिंग रिक्वेस्ट इट ड फॉलोइास्क वो कौन से काम करता है इट रीड द पैरामीटर फॉर द रिमोट मेथड जो भी पैरामीटर आए हैं मैथड के लिए उनको वो पढ़ता है इट इन्वोक द मेथड ऑन द एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट ये क्या करते करेगा जो एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मेथड को इन्वोक करेगा एंड इट राइट एंड ट्रांसमिट द रिजल्ट टू द कॉलर जो उसने रिप्लाई करना है जो उसको आ, से, सर्वर से जो रिप्लाई मिला है उसको वो कॉलर को सेंड करेगा ठीक है स्केलेटन को रिमूव कर दिया अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ ये बेसिकली आर एम आई का एक डायग्राम है इसमें क्या है दिस इज मशीन वन एंड दिस इज मशीन बी ओके सो एक्चुअली में जो हमें कॉल करना है इस मेथड इस रिमोट ऑब्जेक्ट को ये जो क्लाइंट है वो एक्सेस करना चाहता है दिस इज द रिमोट ऑब्जेक्ट एंड दिस क्लाइंट दिस कॉलर वॉन्ट्स टू एक्सेस और इनवोक ओके वो इसको यूज करना चाहता है तो मशीन क्या करेगा मशीन ये जो कॉलर है वो स्टब के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा दैट आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट ओके तो स्टब क्या करेगा जो रिक्वेस्ट उसके पास आई है उस पैकेट को वो मार्शल करेगा मतलब पैक करेगा कुछ भी हो सकता है उसमें लाइक उसमें एक ब्लॉक हो सकता है जैसे उसमें पैरामीटर्स हो सकते हैं राइट उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट है राइट सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पैकेट में हो सकती है ठीक है जैसे हो सकता है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो रिमोट ऑब्जेक्ट का हो सकता है उसके मेथड का नाम हो उस सकता हो सकता है कि लाइक कोई पैरामीटर्स हो राइट सो वो स्टप जो है वो सारे जो भी पैकेट होगा उसको मार्शल करेगा एंड इंटरनेट के थ्रू स्केलेटन के पास भेज देगा अभी जब स्केलेटन को वो चीज रिसीव होगी वो चेक करेगा कि आ, कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसके लिए मेथड आया है राइट right? कौन से रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए मेथड आया है कौन से पैरामीटर्स हैं वो यहां पे उसको अनपैक करके यहां पे भेज देगा और जो भी रिजल्ट होगा सर्वर का वो उसको स्केलेटन को सेंड करेगा एंड स्केलेटन विल सेंड बैक टू इंटरनेट एंड इंटरनेट विल सेंड बैक इट टू स्टप ओके और स्टप क्या करेगा रिटर्न जो है वो क्लाइंट को भेज देगा सो so, बेसिकली ये सब जो हुआ ना वो विद्प ऑफ आर एम आई हुआ सो आर एम आई ने कहा पे काम किया यहाँ पे बीच में जो काम हुआ ना दैट इज कॉल्ड एस रिमोट मेथड इन जो ये काम हुआ ये क्या था जब हमने यहां से इस रिमोट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया उससे क्या हुआ किसकी हेल्प से हुआ दैट इज आर एम आई सो हो सकता है इस मशीन पे कोई जावा में कोड रन हो रहा हो और सर्वर की मशीन पे कोई कोड रन हो रहा हो ठीक है so, सो इस कोड को यहां से कोई मेथड इन्वोक करना है तो वो क्या करेगा आर एम आई के थ्रू करेगा ठीक है सो दिस इज द आर एम आई ओके सो बेसिकली इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं स्टब ऑब्जेक्ट एंड स्केलेटन ऑब्जेक्ट और क्या, वो क्या करते हैं बेसिकली एक जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ओके सो नेक्स्ट इज कोरबा सो बेसिकलीरबा है क्या कोरबा और अ कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर दिस इज द फुलरबा ओके सो इट इजे इट इज अटैंडर्ड आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट सिस्टम इट अलाउज अ डिस्ट्रीब्यूटेड हाइड्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टू इंटर ऑपरेट ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द कोरबा वी हैव एडवांटेजेस एंड डिस आर एम आई लेट मी शो यू दम फर्स्ट okay these are the advantages of rmi okay so we'll firstly see advantages after that we'll see disadvantages. after that we'll go to corba okay so this mechanism brings great convenience to the system design and programming of distributed computing okay as long as the program is designed according to rmi rule you don't have to ask about the network detail under rmi such as tcp socket sockets okay. like जब तक आपने जो प्रोग्राम है उसको आर एम आई रूल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन uh, किया है यू डोंट हैव टू आस्क उसकी नेटवर्क डिटेल्स क्या है अगर मतलब आर एम आई के अंडर आपने उसको डिजाइन किया है तो उसका टी सी पी क्या है उसका सॉकेट आई डी क्या है आपको कुछ भी uh, पूछने की जरूरत नहीं है अगर आपने आर एम आई के अंडर जो अपना प्रोग्राम है उसको डिजाइन किया है ओके सो आर एम आई स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू कंप्यूटर्स calling objects on remote computer as convenient as local objects okay so first is object oriented rmi can pass complete object as parameter and return values not just प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स आर एम आई में क्या कर सकते हैं आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं उनकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकते हैं ठीक है सो नॉट जस्ट प्री डिफाइंड डेटा टाइप जैसे प्री डिफाइंड में क्या होता था आपको पहले डिफाइन करनी पड़ती थी चीज़ें यार ओके उसमें क्या होता था यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग फर्स्ट आफ्टर दैट आप उसको पास कर सकते थे ना बट इसमें क्या होगा यू कैन कंप्लीट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ओके सेकेंड वन इज रिमूवल एट्रीब्यूट रिमूवल एट्रीब्यूट मतलब है कैन मूव फ्रॉम फ्रॉम क्लाइंट क्लाइंट टू टू सर्वर सर्वर और मतलब जो attributes है, उनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हो यू कैन मूव फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट ओके थर्ड पॉइंट इज डिजाइन मेथड द ऑब्जेक्ट ट्रांसफर फंक्शन अलाउ यू टू मेक फुल यूज ऑफ पावरफुल फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटिंग सच एज टू लेर और थ्री लेयर स्ट्रक्चर सिस्टम ओके इफ यूजर कैन पास एट्रीब्यूट दे कैन यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इन दियर ओन सोल्यूशन ओके आफ्टर दैट ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड रिलाय ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट टू फंक्शन एंड इफ यू कैन नॉट पास द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंप्लीमेंटेशन एंड टाइप यू विल लूज द एडवांटेज प्रोवाइडेड बाई द डिजाइन मैथड उसमें क्या हो? इसमें क्या होगा जब आपको पूरा ऑब्जेक्ट आप पास करोगे ठीक है ठीके? आप आर एम आई के थ्रू क्या कर सकते हो पूरा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो बट अगर आप पूरा जो मेथड है पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसको पास नहीं करोगे तो उससे क्या होगा यू विल लूज द एडवांटेज प्रोवाइडेड बाई द डिजाइन मेथड ठीक है उससे क्या होगा आपको पूरी एडवांटेजेस नहीं मिलेंगी जो भी आप पास कर रहे हो उसकी पूरी एडवांटेजेस नहीं मिलेंगी आफ्टर दैट सिक्योरिटी आर एम आई यूजर बिल्ड इन सिक्योरिटी मैकेजम टू कन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ़ द यूज़र सिस्टम एन डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स ये क्या करता है आर एम आई जो यूज करता है जावा बिल्डिंग सिक्योरिटी मेकनिजम यूज़ करता है आपको जो आपका यूजर है उसके डेटा को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ठीक है आर एम आई यूज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट दिस्टम फ्राम मलिशियस एप्लेट्स ओके आफ्टर दैट डिस डिसडवाटेज क्या हो सकती है आर एम आई फ्रॉम द

After that, the second limitation of RMI is that RMI is a remote call of a Java language. The programming language at both end must be implemented in Java. मतलब अगर आपको RMI use करना है तो आपका जो client machine है client machine में भी it would use Java and on server machine it should use Java. मतलब दोनों machine पे language dependent आप बोल सकते हो दोनों machine पे वो दोनों side पे Java use होना चाहिए okay? सो so, क्या होगा उससे अगर आप जावा यूज करोगे दोनों साइड पे तो आप आर एम आई को यूज कर पाओगे ओके ठीक है सो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज वेब सर्विस और कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर सिस्टम कैन बी कंसिडर अगर आपको किसी और लैंग्वेज uh, में एक्सेस करना है उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा कोई वेब सर्विस या कोरबा वगैरह को कंसिडर करने पड़ेगा ठीक है आफ्टर दैट आर टॉपिक इज कोरबा सो कोरबा अ कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर इज स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट सिस्टम इट अलाउ आज डिस्ट्रीब्यूटेड हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टू इनकॉर्पोरेट बेसिकली जो कोरबा है वो किस लिए यूज होता है ताकि हेट्रोजीनियस मतलब एक जैसे नहीं अलग अलग हैट्रोजीनियस और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में इनकॉर्परेट हो सकें मतलब आपस में इंटरेक्शन uh, कर सकें ठीक है सो कौरबा इज अ स्टैंडर्ड डिफाइंड बाई द ट इज ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप किसने डिफाइन किया था इस स्टैंडर्ड को ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में सो इट्राइब एन आर्किटेक्चर इंटरफेस एंड यूज इंटरेक्ट विधई क्या होता है इसमें आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइडेड होते हैं इंटरफेसिस होते हैं एंड प्रोटोकॉल होते हैं जो कि अलाव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट को और यू कैन से हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए ओके okay? सो so, पार्ट ऑफ द कोरबा स्टैंडर्ड इज द इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज कोरबा का कौन सा पार्ट है दैट इज इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज एन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द इंटरफेस फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है आइडिया इट इज यूज फॉर इंप्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए ठीक है जो रिमोट ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में जो इंटरफेस हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज हम करते हैं क्या होता है कोरबा यूज होता है जिसका सॉरी uh, आइडियल यूज होता है ठीक है

Uh, database it can be used for application when as uh, for application uh, it can be used as a uh, it can be used by application vendors or corporate developers okay as a software tool okay after that uh, Java ideal is an implementation of standard ideal to Java mapping and is provided by the sun version 1.3 of Java 2 and is complained with

Like RMI, Java Ideal gives you a way to access remote objects over the network. जैसे हम लोग आ रहा है क्या कर रहे थे रिमोट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे थे राइट वैसे ही जो आईडीएल है वो हम आइडियल uh, है वो हमें रिमोट uh, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेटवर्क पे उनको एक्सेस करने में हेल्प करता है ठीक है इट आल्सो प्रोवाइडेड टूल यू नीड टू मेक योर ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल विद कोरबा क्लाइंट्स इफ यूर एक्सपोर्ट अ जावा क्लास यूजिंग जावा आइडियल यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट क्लास एंड पब्लिश इट थ्रू आ नेमिंग डायरेक्टरी सर्विस ओके सो अ रिमोट ऑब्जेक्ट कैन फाइंड फाइंड दिस ऑब्जेक्ट कॉल मैथड ऑन इट क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकता है मैथड को कॉल कर सकता है रिसीव जो डेटा उसको रिसीव हो रहा है उसको रिसीव कर सकता है एंड जस्ट एज इफ इट वनिंग ऑन अ क्लाइंट लोकल मशीन ओके अनलाइक राम आर एम आई ऑब्जेक्ट आर एक्सपोर्टेड यूजिंग कोरबा कैन बी एक्सेस बाई क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन इन एनी लैंग्वेज विथ एन आइडियल बाइंडिंग तो इसको हम कैसे यूज कर सकते किस किसके साथ यूज कर सकते हैं वी कैन यूज कैन राइट कोरबा इन सी सी प्लस जावा ए डी ए और आप बोल सकते हैं कोबोल ओके इस सब में आप जो है वो आर एम आई के जो कोरबा जो है उसको लिख सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर सो पहले हम डायग्राम देखेंगे आफ्टर दैट ये डेफिनेशन पार्ट पे जाएंगे सो दिस इज द डायग्राम सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कोरबा सो दिस इज द क्लाइंट मशीन एंड दिस इज द सर्वर मशीन ओके दिस इज द ओ आर बी इंटरफेस एंड दिस इज द ओ आर बी इंटरफेस फॉर सर्वर मशीन एंड दिस इज दिस फूल दिस फूल यू कैन से दैट दिस इज ओ आर बी कोर और ये जो नीचे लेयर है दैट इज इंटरनेट दिस इज आई आई पी इज आई आई ओ पी इज इंटरनेट इंटर ओ आर बी प्रोटोकॉल ओके सो बेसिकली ये जो लेयर है दैट वर्क ऑन टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल बेसिकली इसमें जो है वो ट्रांसमिशन का ही काम हो रहा है ठीक है इसमें क्या हो रहा है बेसिकली जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा वो क्या होगा पहले ओ के पास जाएगा ओ के थ्रू ये इसके इंटर इंटरनेट इंटर ओ प्रोटोकॉल के थ्रू जाके इस वाले ओ आर बी इंटरफेस के पास जाएगा मतलब दिस इज द अपना अ, सर्वर का ओ आर बी राइट और इसके थ्रू ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे डायनेमिक इन्वोकेशन होती है आफ्टर दैट यहाँ पे स्टब जो होता है वो यहाँ पे रिसाइड करता है ठीक है इस ओ आर बी का इंटरफेस ये ओ आर बी इंटरफेस बेसिकली क्या करता है इसमें और इसमें इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है और यहाँ से जाके जब यहाँ पे ये क्लाइंट सर्वर मशीन पे आते हैं तो जो सर्वर मशीन का ओ आर बी इंटरफेस होता है वो जो रिक्वेस्ट आई है उसको ठीक है कोई भी जो भी रिक्वेस्ट आती है मान लीजिए उसने आ, ये भेजा से हेलो भेजा ठीक है क्या किया उसने हेलो भेजा तो किसने किसके थ्रू गया वो पहले ओ आर बी इंटरफेस के थ्रू जाएगा वो पहले ओ आर बी इंटरफेस के पास जाएगा यू कैन से दैट यहाँ पे स्टब है जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर तो हमने आर एम आई में यहाँ पे स्टब और स्केलेटन देखे थे ना वैसे ही यू कैन से दैट यहाँ पे जो है वो आइडियल जो हमारा क्लाइंट uh, है उसका स्टब होता है एंड यू कैन से हियर द स्केलेटन ऑफ सर्वर रिसाइड्स ठीक है सो so, सर्वर पे आप बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन uh, हो रही है आपके सर्वर uh, साइट पे कोई uh, जो ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन uh, चल रही है सर्वर साइट पे क्लाइंट को उसको एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा फर्स्टली विल गो टू ओ दिस इज ओ इंटरफेस फॉर क्लाइंट मशीन ओके देन थ्रू आई आई ओ पी पी मतलब क्या है दैट इज इंटरनेट इंटर ओआरबी प्रोटोकॉल मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टी सी पी आई पी लेर इस है सो बेसिकली टी सी पी आई पी का काम क्या है ट्रांसमिशन ही है ना ट्रांसमिशन करना किसी भी चीज़ को ट्रांसमिशन लेयर क्या काम का करती है अपनी ट्रांसमिशन का काम का करती है ना तो यहाँ से क्या होगा वो ट्रांसमिट होके क्लाइंट मशीन के पास जाएगा क्लाइंट में आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटिक हमारा स्केलेटन होता है वो यहाँ से रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास भेजेगा और सर्वर के ऊपर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो क्या करेगा रिप्लाई बैक करेगा स्केलेटन को स्केलेटन ओ आर बी इंटरफेस के पास जाएगा एंड रिप्लाई इट बैक ओके सो ओ आर बी आप बोल सकते हैं ओ आरबी क्या होती है इट्स अ क्लास लाइब्रेरी दैट इनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन जावा आइडियल एप्स एंड अनदर को जो कोबरा एप्स होती है उसके अंदर ठीक है और अब आइडियल क्या होती है आइडियल जो होता है बेसिकली स्टैंडर्ड है कोरबा का जो क्या कराता है हमें प्रोटोकॉल्स uh, प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन uh, करने में बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स सो कोरवा बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेशन कराने के लिए ना सो so, आइडियल जो है उसका स्टैंडर्ड है uh, एक इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ठीक है सो so, अभी सारा आगे यही इन्होंने डिफाइन किया है जो हमने ये डायग्राम में समझा वही चीजें इसमें आगे डिफाइन की हुई है मैंने सारा आपको नोट्स बना के दिया हुआ है सो ऑन द क्लाइंट साइड द एप्लीकेशन इंक्लूड रेफरेंस फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट उसको रिमोट ऑब्जेक्ट जो एक्सेस करना है या कुछ मैसेज भेजना है वो क्या करेगा एक रेफरेंस लेगा रिमोट ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है स्टब मेथड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है स्टब रिसाइड करता है राइट right? हमने आर एम आई आर एम आई में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अबाउट स्टब एंड स्केलेटन ओके सो स्टैंडली ठीक है दाय टू द ओ आर बी वॉट इज ओ आर बी दिस इज ओ आर बी ओ आर बी क्या है दिस इज ऑब्जेक्ट ओ आर बी क्या था ओ आर बी का मैंने आई गेस आपको अभी फुल uh, फॉर्म ही नहीं बताया दैट इज ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर ठीक है क्या 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 होगा? या ठीक है है? है है? के पास जाएगा। okay? ORB क्या है? Object request, uh, broker है, जो कि काम करता कम्युनिकेशन बिटवीन जावाइडर कोई भी अदर जो कोबरा की कंप्लेंट एप्स है उसके बीच में ठीक है और uh, ये यहाँ पे जाएगा ओ आर बी इंटरफेस के पास राइट right? उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है इनवोकेशन टू दर्वर सो बेसिकली कैसे इन्वोकेशन uh, हो रही है बीच में ओ आरबी इंटरफेस के पास जाएगा वट इज ओ आरबी ओ आरबीज रिक्वेस्ट ब्रोकर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर जो कि इनेबल करेगा लाइब्रेरीज को कम्युनिकेशन बिटवीन जावा आइडियल और uh, जो कोबरा की एप्स होंगी उनमें राइट right? उसके थ्रू यहाँ पे जाएगा एंड सर्वर के पास उसका रिक्वेस्ट चला जाएगा ठीक है ऑन द सर्वर साइड द स्केलेटन कोड टू ट्रांसलेट द रिमोट देर इंप्लीमेंटे स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड कॉल द मेथड बी इनवोक ओके सो वेन द मेथड रिटर्न द स्केलेटन कोड ट्रांसफॉर्म रिजल्ट और एरर्स एंड सेंड दम बैक टू द्लाइंट बायरबी ओके किसके थ्रू मैंने आपको पहले बताया ओ इंटरफेसेस बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं एक लाइब्रेरी नेबल कर रहे हैं ताकि जो जावा uh, की एप्स हैं जावा आइडियल की जो एप्स हैं दे कैन कम्युनिकेट और दे कैन इंटरेक्ट विथ कोबरा की एप्लीकेशन ओके बिटवीन द ओ आर बी कम्युनिकेशन प्रोसेस बाई मीन्स ऑफ अ शेयर प्रोटोकॉल आई आर पी इज द इंटरनेट इंटर ओ आर बी प्रोटोकॉल ओके वॉट इज दिस दिस इज IIOP which is based on the standard of TCP IP internet protocol मैंने आपको already diagram में ये चीजें समझाई हुई हैं ठीक है थीके? and work across the internet okay so define how uh, Cobra complain ORB pass information back and forth like CORBA and IDL the IIOP standard is defined by OMG OMG क्या था हमने already पढ़ा हुआ है object management यहाँ पे पढ़ा था ना हमने Object Management Group है जिसको आईओपी को आईओपी को भी किसने

किसी भी वेंडर का अगर वो प्रोडक्ट होगा दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर ओके? नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर सो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर का क्या काम है मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ही सिंपल काम है क्लास लाइब्रेरी है जो कि कम्युनिकेट करवाती है बिटवीन जावा आइडियल एप्स एंड अदर कोबरा कोरबा एप्स राइट सो द कोर ऑफ कोरबा आर्किटेक्चर इज ओ

ओ आरबी प्रोवाइड द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट ऑब्जेक्ट हैंडल कनेक्शन मैनेजमेंट ओके द ओ आर बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर बायर द आई ओ पी ये देखिए किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ये आई आई ओपी आई आई ओ पी क्या है इंटरनेट इंटर ओ आरबी प्रोटोकॉल ओके रिक्वेस्ट मेड ऑन द क्लाइंट ट्रांसफर फ्रॉम द क्लाइंट ओ आरबी टू द ओ आरबी सर्विसिंग

एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो कोरबा है दैट कैन बी राइट ऑन सी सी प्लस प्लस जावा आफ्टर दैट कबोल इन सब में कोरबा जो है इम, आ, यूज हो सकता है इम्प्लीमेंट हो सकता है ठीक है आफ्टर दैट इट यूज जावा इंटरफेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन जो आर एम आई है ये क्या यूज करता है इट यूज जावा इंटरफेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन बट इट यूज इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज आईडीएल जो हमने ऑलरेडी आइडियल पढ़ा हुआ है यहाँ पे देखिए ये रहा आइडियल ओके सो ये क्या करता है इट यूज इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज टू सेपरेट इंटरफेस फ्रॉम सेमेंटेशन ओके आफ्टर दैट जावा जावाई ऑब्जेक्ट आर गार्बेज कलेक्टेड ऑटोमेटिकली एंड वट अबाउट द कोरबा ऑब्जेक्ट कोरबा ऑब्जेक्ट आर नॉट गार्बेज कलेक्टेड बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड सम लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस डज नॉट सपोर्ट गार्बेज कलेक्शन हमारा जो सी प्लस प्लस है वो गार्बेज कलेक्शन सपोर्ट नहीं करता है राइट right? जो जावा है दैट सपोर्ट द गार्बेज कलेक्शन बट जो अपना कोरबा है दैट इज सॉरी सी प्लस प्लस जो है वो गार्बेज कलेक्शन uh, को सपोर्ट नहीं करता है ठीक है आर एम आई प्रोग्राम कैन डाउनलोड न्यू क्लासेस फ्रॉम रिमोट जे वी आर एम आई के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या कर सकते हैं जो उसके रिमोट जे है वहां से न्यू क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं बट कोरबा डज नॉट दिस कोड शेयरिंग मैकेनिज्म क्या है अभी अलग अलग वेंडर्स का कोड होता है राइट right? हम लोग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना अलग अलग वेंडर के कोड के साथ तो उनका जो शेयरिंग मैकेनिज्म है वो हम शेयर नहीं कर सकते ठीक है आफ्टर दैट आर एम आई पास ऑब्जेक्ट बाई रिमोट रेफरेंस और बाई वैल्यू आर एम आई अपने ऑब्जेक्ट कैसे पास करेगा रिमोट रेफरेंस और इसकी वैल्यू से और कोरबा क्या करेगा ऑब्जेक्ट को ही पास कर देगा राइट आर एम आई इज अ सर्वर सेंट्रिक मॉडल कोरबा इज पीयर टू पीयर सिस्टम ओके जावा रिमोट मैथड प्रोटोकॉल यूज करती है इट्स एज अंडरलाइंग रिमोटिंग प्रोटोकॉल और जो कोरबा है वॉट इट इज यूज इट इट यूज ओ आर बी प्रोटोकॉल ओ आर बी क्या है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर ओके द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉल्स ऑन जेवीएम

मेड फॉर जावा एप्लीकेशन राइट एंड द कोरबा इज कैन बी यूज फॉर सी 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 प्लस प्लस जावा आफ्टर दैट फॉर कोबोल राइट सो ये था जावा आर एम आई एंड कोबरा का केस स्टडी सो बेसिकली हमने क्या कवर किया पहले हमने रिमोट दैट आर एम आई कवर किया वट इज़ आर एम आई आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट यूज फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर आर स्टर्ब एंडल्टन हमने uh, पूरा कवर किया आफ्टर दैट

I will revert you back as soon as possible. Okay. So till then, bye. Take care.